नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्रों पर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एक युवा नोट जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो कर्मचारियों की सूचना भिजवाने को लेकर एक लेटर यहाँ पर जारी किया है। मैं बता दूँ, DYT द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जिस पोर्टल पर संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर अपडेट होगी और जिन जिन संविदा कर्मचारियों को IAS पैटर्न के आधार पर 9 वर्ष हो रहे हैं यानी कि 2 वर्ष की छूट देने के बाद उन सभी का नियमितीकरण किया जाएगा। इसलिए जो DYT का जो सॉफ्टवेयर है उस पर संविदा कर्मचारियों का डेटा अपडेट होगा। इसी को लेकर एक यूओ नोट जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो जो अडॉप्ट कर्मचारी हैं उनकी सूचना मांगी। मैं बता दूँ, एक कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी के दो प्रकार हैं। एक तो जो संविदा सेवा नियम 2022 में जिनका अडॉप्शन हुआ है, एक जिनका अडॉप्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये जो सूचना है केवल उन्हीं की भिजवानी है जिन जिनका अडॉप्शन यहाँ पर हुआ है। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 365 वर्ष 2022-23 तक पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संविदा सेवा नियम के अंतर्गत आपके विभाग के अधीन संचालित योजनाओं में कार्यरत संविदा कार्मिकों की संलग्न प्रारूप में जो सूचना है एक्सेल शीट में 3 दिवस में तैयार कर विभागीय मेल raj.pr.acp@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करें। साथ ही इन्होंने कहा कि कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च जो प्राथमिकता वो देनी है। रवि जैन शासन सचिव आयुक्त के हस्ताक्षरों से लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं, आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा, निदेशक जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन और प्रोजेक्ट निदेशक राजीविका को पत्र लिखते हुए 4 डिपार्टमेंट्स में पंचायती राज विभाग के अधीन जो 4 योजनाएं आती हैं जिसमें मनरेगा, जल ग्रहण, स्वच्छ भारत मिशन और राजीविका की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट रवि जैन शासन सचिव आयुक्त ने लेटर जारी करते हुए ये सूचना है वो मांगी है। मैं बता दूँ, DYT पोर्टल जो तैयार कर रहा है उस पर करीब 67 प्रकार की जो सूचना है वो यहाँ पर अपडेट होगी। मैं बता दूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको अवेलेबल करवा देंगे, तो आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से अपनी जो सूचनाएँ हैं वो तैयार आसानी से जल्दी कर सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा, जल ग्रहण, SBM और यहाँ पर राजीविका के जो अधीन जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी जो आप देख सकते हैं करीब 65 प्रकार की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी, 67 प्रकार की जो सूचना वो यहाँ पर मांगी है, जिसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा संविदा कर्मचारी का, इसके बाद में संविदा कर्मचारी के जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। मैं बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाद में संविदा कर्मचारी का नाम, नेम ऑफ एम्प्लॉई, फादर या हस्बैंड नेम, जेंडर मेल है फीमेल है, इसी प्रकार से मेटेरियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, एम्प्लॉई की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कर्मचारी डिसेबल है यानी कि कर्मचारी दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर एम्प्लॉई एक्स सर्विसमैन है तो इसमें एक्स सर्विसमैन करना है, नहीं है तो नो करना है। इसी प्रकार से कर्मचारी स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कैटेगरी कौन सी है, SC है, ST है, OBC है, जनरल है, MBC है या EWS है। इसी प्रकार से राज्य, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, नेम ऑफ एग्जाम, परीक्षा का क्या नाम है, बैंक का नाम। इसी प्रकार से ब्रांच, कौन सी ब्रांच में आपका खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर कितने हैं, एम्प्लॉय की यूनिक ID क्या है, ईमेल एड्रेस। इसी प्रकार से 1 जून 2002 तक जो बच्चों की संख्या कितनी है, 1 जून 2002 के बाद के बच्चों की संख्या कितनी है, अगर दिव्यांग हैं आप तो डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको चुननी है, एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी कैटेगरी चुननी है, तहसील कौन सी है आपकी, शहर कौन सा है, इसी प्रकार से वार्ड, ब्लॉक या पंचायत समिति कौन सी है, ग्राम पंचायत कौन सी है, गाँव कौन सा है। इसके बाद में जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस जो है वो आएगा, जिस सेम परमानेंट एड्रेस जिसमें राज्य, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, वार्ड, ब्लॉक या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और गांव। साथ ही पिन कोड, क्वालिफिकेशन, पोस्ट अपॉइंटमेंट, क्या शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के बाद प्राप्त की है। अगर आपने, मैं बता दूं, आप लग गए जैसे कि संविदा लेखा सहायक पे और आपने जो BCom में उसकी जो एसेंशियल डिग्री होती है वो बाद में प्राप्त की है लगने के बाद में, तो उसमें हाँ करना है, अगर पहले प्राप्त की हुई है तो नो करना है इसमें। इसी प्रकार से
नेम ऑफ बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी से स्कूल से आपने प्राप्त की, कौन से सब्जेक्ट से की, कब आपने पास की, रोल नंबर क्या थे, रिजल्ट, परसेंटेज या ग्रेड, पोस्ट क्या है आपकी संविदा की, साथ ही संविदा की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, प्रथम संविदा नियुक्ति की दिनांक क्या है आपकी, साथ ही रेमुनरेशन फिक्स एट द टाइम ऑफ संविदा पर नियुक्ति के समय आपका पारिश्रमिक क्या था, संविदा भर्ती का आदेश नंबर क्या था, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, उसका विज्ञापन, टाइप ऑफ इंक्रीमेंट इन रेमुनरेशन, पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रकार, किस प्रकार से वृद्धि थी, डेट, अमाउंट, इसी प्रकार से आपने संविदा नियमावली 2022 में नियुक्ति के समय कुल संविदा सेवा आपकी कितनी थी, इसी के आधार पर जो संविदा कर्मचारी का डेटा जो है वो यहाँ पर पोर्टल में छटेगा और यहाँ पर जो नियमितीकरण होंगे यानी 9 साल या उससे अधिक जो संविदा वाले होंगे उनको नियमित किया जाएगा। साथ ही इज स्क्रीन कंप्लीट, क्या आपकी स्क्रीनिंग पूरी हो गई है, रेगुलराइजेशन नियम, जो रेगुलराइजेशन ऑर्डर नंबर है यानी कि अडॉप्शन के जो ऑर्डर नंबर है वो क्या है, पोस्ट क्या है रेगुलराइजेशन की यानी कि अडॉप्शन के बाद में किस पद पर किया है, साथ ही मिनिमम रेमुनरेशन क्या है जो पोस्ट है रेगुलराइजेशन की उसके लिए, इसी प्रकार से मौजूद संविदा कर्मचारी के नियमितकरण के लिए जो निर्धारित पारिश्रमिक है, रेमुनरेशन फिक्स फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑन रेगुलराइजेशन कितना है, तो पूरा जो बायोडाटा वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। 67 प्रकार की जो सूचना है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा, निदेशक जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, प्रोजेक्ट निदेशक राजीविका से यह जो सूचना है करीब 67 प्रकार की, जिसमें संविदा कर्मचारी का जो संपूर्ण जो बायोडाटा वो आ गया है, इस प्रकार से सूचना मांगी है। और ये 67 प्रकार की जो सूचना है संबंधित DOIT के पोर्टल पे अपडेट होगी और उसके बाद में यहाँ पर जो जिन जिन संविदा कर्मचारी को 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है उनको नियमित किया जाएगा। इसमें मैं बता दूँ आपके डिपार्टमेंट जन आधार से लेकर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक की जानकारी इस फॉर्मेट में यहाँ पर मांगी है। 67 प्रकार की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है और ये जो संपूर्ण जो सूचना है वो यहाँ पर DOIT के पोर्टल पे अपडेट होगी, जिसमें आपने संविदा पर नियुक्ति कब की, उसकी विज्ञप्ति के क्रमांक क्या थे, डेट क्या थी, इसी प्रकार से अडॉप्शन कब हुआ आपका, अडॉप्शन पे आपका रेमुनरेशन क्या था, किस पोस्ट पे आप अडॉप्ट हुए, कब अडॉप्ट हुए, आपके बैंक खाते की संख्या क्या है, किस ब्रांच में आपका खाता है, और जो आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उत्तीर्ण की है, आपके बच्चे कितने हैं, आपका जो एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस वो कौन सा है, किस कैटेगरी में है, जो संपूर्ण जो बायोडाटा यहाँ पर मांगा गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना, मैं बता दूं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्मेट की सॉफ्ट कॉपी जो है एक्सेल शीट में वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप जल्द से जल्द अपनी जो सूचना है चाहे वो मनरेगा डिपार्टमेंट में हो, जल ग्रहण में हो, राजीविका में हो या स्वच्छ भारत मिशन में हो, आप तैयार करें और निर्धारित 3 दिवस में आप इस सूचना को भेजें, ताकि जल्द से जल्द जो निर्धारित प्रक्रिया जो प्रोसेस पूरी करते हैं 9 या उससे अधिक वाले जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक का समय का अनुभव है उनका नियमितीकरण जल्द से जल्द हो सके और अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनका जल्द से जल्द रास्ता खुल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।